नानक शायन देव कहते नानक शायन देव कहते। अगर तुम औरत हो, अगर तुम कश्मीरी औरत हो, तो राष्ट्रभक्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा बलात्कार। बलात्कारियों के समर्थन में फहराए जा सकते हैं तिरंगे। अगर तुम मणिपुरी या सात बहनों के देश की बेटी हो, तो भी रौंदी जा सकती हो तुम। राष्ट्रभक्ति के लिए तुम्हारी योनि में मारी जा सकती है गोली। अगर तुम आदिवासी औरत हो, तो तुम्हारी योनि में भरे जा सकते हैं पत्थर, और कभी भी काटा या निचोड़ा जा सकता है तुम्हारा स्तन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। अगर तुम मुस्लिम औरत हो, तब तो कब्र में भी सुरक्षित नहीं हो तुम। हिंदू राष्ट्र के लिए कभी भी निकाला जा सकता है तुम्हें। बलात्कार के लिए फाड़ी जा सकती है तुम्हारी कोख मादा शरीर की खोज में। अगर तुम दलित औरत हो, तो सिर्फ पढ़ लिख कर वर्ण व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए लोहे की रॉड डाली जा सकती है तुम्हारी योनि में, खैरलांजी की तरह। अगर तुम सवर्ण औरत हो, तब भी सुरक्षित नहीं हो तुम। गैंग रेप की बात जुबान से निकालने भर से अवहेलना हो जाती है मनुस्मृति की। इसके लिए हत्या की जा सकती है तुम्हारी या तुम्हारे पिता भाई की। अगर तुम पुरुष सत्ता को चुनौती देने वाली औरत हो, तब तो धमकियां बलात्कार की ही मिलेंगी। हो भी सकती हो बलात्कृत किसी पुलिस थाने या हवेली में। तुम कुछ भी हो, अगर औरत हो तो हो निजाम के निशाने पर। इसलिए अगर तुम औरत हो, तो बहुत ज़रूरी है घरों से बाहर निकलना, सड़कों पर उतरना और भिड़ना उस फासिस्ट निज़ाम से, जिसके लिए हम औरतें केवल शरीर हैं, जिनका बलात्कार किया जा सकता है अनेक वजहों से, कहीं भी कभी भी। योगा डे। प्यास के साथ चमचम, भूख के साथ तारे, घड़े के साथ पत्थर, छालों के साथ सड़क की बात करूंगी तो हंसेंगे आप। हंस सकते हैं तो हंस ही लीजिए, क्योंकि गायब होती जा रही है हंसी दुनिया से, बचा रह गया है सिर्फ अट्टहास। बेतुकी और बेमेल बातें हो रही हैं इतनी कि हंसी नहीं आती अब इन बातों पर। अट्टहासियों ने जब गाय के साथ आधार कार्ड, भोजन के साथ राष्ट्रवाद, प्रेम के साथ जिहाद, स्वच्छता के साथ चश्मा और जाति के साथ साबुन कहा, तो कहाँ हंसे थे हम। हमें हंसी नहीं आती इन बातों पर अब। यकीन मानिए, असामान्य है यह, एक सामूहिक रोग का लक्षण जिसका नाम है फांसीवाद। प्रेम बांटने वालों से नफरत और नफरत बांटने वालों से प्रेम, अपनों पर संदेह और अट्टहासियों पर भरोसा, ना हंसने वाली बात पर हंसना और हंसने वाली बात पर ना हंसना, इत्यादि लक्षण हैं इसके। अट्टहासी समझते हैं इसे, क्योंकि वे ही वायरस हैं इस बीमारी के। इस वक्त वे घुस रहे हैं हर शरीर में अनुलोम विलोम के द्वारा। वे मन में सोचते हैं नियंत्रण और योग, और जोर से बोलते हैं योग और राष्ट्र। हंसता नहीं है कोई। मैं कहती हूँ योग और फांसीवाद, हंसी आ जाती है बहुतों को। हंसी और अट्टहास का फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है फांसीवाद के इस दौर में।